हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। 24,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर EFA चैनल के हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ़रवरी 2 को इंडिगो पेंट्स का IPO की लिस्टिंग होने वाली है, तो लिस्टिंग में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, वो सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपका लिस्टिंग के समय आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है आपको बिल्कुल इच्छा करे कि आप स्टॉक को खरीद ले, तो आपको क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजों पर कंसिडरेशन रखना है, वो सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन लिस्टिंग से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है, जो एक तरीके से जो टेंशन था जो इन्वेस्टर्स को बजट वाला, वो बजट फैक्टर के बारे में बताते हैं और फिर हम लिंक करते हैं इंडिगो पेंट्स के साथ। तो दोस्तों, बजट को रिस्क की तरह देखा जा रहा था जैसे जैसे इंडिगो पेंट्स का IPO आ रहा था। देखिए, मार्केट भी आपने देखा होगा, 4-5 दिनों से मार्केट भी गिर रही थी, जो भी आपने ट्रेडिंग डेज में देखा होगा। तो मार्केट में भी थोड़ा सा कॉशन था, थोड़ा पैनिक था कि कहीं कोई नए टैक्सेस आ जाएंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ऐसा हो सकता था STT टैक्स या शॉर्ट टर्म टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो सब आ सकते थे, लेकिन ऐसा कोई भी टैक्स ना आया और कुछ ना हुआ, यही एक पॉजिटिव चीज है। उसके अलावा बहुत सारी पॉजिटिव चीजें तो हुई ही है बजट में, हमने उस पर डिटेल में वीडियो बनाया है कि कौन कौन से सेक्टर्स को बजट से फायदा होगा, वो आप देख सकते हैं ऊपर। तो मार्केट ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, निफ्टी आपने देखा 4.74% बढ़ी, बॉम्बे BSE जो सेंसेक्स है वो 5% बढ़ा, और अब तक का नहीं, पिछले 10 सालों का सबसे अच्छा अगर आप देखें जो सेंसेक्स का जो रिटर्न आया है बजट के दिन में, वो हमको फ़रवरी 1 को देखने को मिला है। इसके अलावा भी भविष्य के लिए भी तैयार हो जाइए, LIC का IPO भी बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत सारे PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट, कुछ बैंक्स भी हैं जो अब प्राइवेटाइज हो सकती है दोस्तों, तो ये सब चीजें भी हुई है। लेकिन अब इंडिगो पेंट्स यहां पर पूरी स्कीम में कहां ठहरता है, उसके लिए क्या पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है, वो समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंडिगो पेंट की स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग जो है वो तो बात चल ही रही थी, जो चौथा सप्ताह है जनवरी का तब से ही बात चल रही थी, जो ग्रे मार्केट के जो प्राइस थे, तो ये सब चीजें एक पॉजिटिव लिस्टिंग की तरफ जो है इशारा भी कर रहे थे। आपने देखा सब्सक्रिप्शन 117 टाइम्स हुआ है, 1100 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर का ये IPO है, और उसके अगेंस्ट में देखिए 100 टाइम्स से ज्यादा की बिडिंग हुई है। और यहां पर मैं NII दिखा रहा हूं, सिर्फ NII दिखा रहा हूं दोस्तों। NII मतलब जो HNIs जिन्होंने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इन्वेस्ट किया होता है, जनरली इन्होंने लोन भी ली होती है 7% 8% में, जैसा भी मार्केट रेट हुआ, और लोन लेके उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। और आप देखिए 263 टाइम, 263 टाइम उन्होंने यहां पर अप्लाई किया है। तो उन्होंने कब ऐसा अप्लाई किया होगा, जब उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा होगा कि जो IPO है बहुत ही मजबूत खुलेगा। तो ये एक चीज थी, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता जो हमने अपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया बजट को लेकर तो थी ही दोस्तों। अब फ़रवरी 2 बिल्कुल तैयारी है लिस्टिंग की। IPO प्राइस जो था 1488 से 1490, ये 1490 का प्राइस है दोस्तों, इसको आपको पता ही होगा, लेकिन इसको हम थोड़ी देर के बाद और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, इसके जब हम वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे कि जो निवेशक है अब इसमें एंटर करे कि नहीं, उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। अभी हम फिलहाल डिस्कस करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस या GMP क्या चल रहा है, जिससे हमको आपको पता चल सके कि लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो दोस्तों, बहुत ही जोरदार लिस्टिंग की तैयारी है क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अपसाइड 50 से 55% का हो सकता है। अब यहां पर जब ये IPO खुला था, तब जो पुराने जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें भी हमने बताया था कि 50% 55% का ये ग्रे मार्केट प्राइस या डब्बा भाव चल रहा है। और देखिए, डब्बा भाव ऐसे पता नहीं चलता है, हम लोग को सेकेंडरी रिसर्च करनी पड़ती है, उसी के बेसिस पर ही पता चलता है। बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी बता पाना कि क्या नंबर पर इसकी लिस्टिंग होगी, ये सब अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। ये रिसर्च करके हमने पता किया है 50 से 55% तक अपसाइड हो सकता है। अब यहां पर चुनौती क्या थी
रिस्क क्या था कि बजट अगर थोड़ा गड़बड़ आ जाता तो ये जो आप 50% देख रहे हैं, ये 20% भी हो सकता था या और भी कम हो सकता था। हमने देखा ही था मार्च पिछले साल में, अचानक से जहां हम 25-30% SBI कार्ड में हम जहां प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे वहां पर वो डिस्काउंट में खुल गया। तो ऐसी भी चीजें होने होने को तो बिल्कुल बहुत हो सकता है, तो वो भी हुई थी, हमने देखा था। तो अभी वैसा रिस्क कम नहीं रहा है, बजट पॉजिटिव रहा है, मार्केट पॉजिटिव रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की तरफ तो इशारा कर ही रहा है। लेकिन जिसने जिनको अलॉटमेंट हुआ उनके लिए तो ये पॉजिटिव चीज है, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको अब क्या-क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, तो दोस्तों उनके लिए फंडामेंटल्स जानना जरूरी है, फंडामेंटल्स समझना जरूरी है। तो अब हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे और आपको उसके बारे में, वैल्यूएशन के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, वैल्यूएशन में हम यहाँ प्राइस अर्निंग रेशियो या पी रेशियो के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बीच बीच में समझाता रहता हूँ, प्राइस अर्निंग या प्राइस टू बुक रेशियो का या फिर आरओसी, ये सब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब मैं आपको, मैं डिटेल में आपको भविष्य के वीडियो में आपको बताता रहूंगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन पूछिए। देखिए, एशियन पेंट्स का 113.78 है, मतलब 114 टाइम्स है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बर्जर पेंट का 128 है, नेरोलैक का जो है 84 है। अब देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो 3840 के आसपास है, जो आज की तारीख में, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज की तारीख में वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल में है, क्योंकि जो पेंडेमिक आया है उसकी वजह से जो अर्निंग्स जो है, जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, अर्निंग्स थोड़ी सी कम हो गई है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर गया है, तो जो प्राइस जो है वो ऊपर चला गया है। तो ये 40 का है, बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बट जनरली अगर ये 25 का भी होता है तो हमको लगता है कि बहुत ही महंगी है मार्केट, और अभी तो 40 है, और ये जो 110, 114, 128 आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल हाई वैल्यूएशन ही है। अब इंडिगो पेंट में आप देखिए क्या वैल्यूएशन था, यहां पर देखिए 98.5। थोड़ी देर पहले हमने 1490 का जो प्राइस था उसकी डिस्कशन किया था, 1490 के प्राइस में 98.5, मतलब 100 के आसपास का इसका वैल्यूएशन है। अब कल या फिर जिस दिन लिस्टिंग होती है, 50% अगर इसकी ऊपर की लिस्टिंग होती है तो ये जो वैल्यूएशन है ये भी बढ़ेगा, ये भी 140, 150 टाइम्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो आप देखेंगे एशियन पेंट या बर्जर, उनके हिसाब से तो ये स्टॉक बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो ये फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है, लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक महंगा रहेगा। और जनरली अगर देखा जाए तो 98 खुद ही महंगा है, या 113 या 128 खुद ही महंगी है। जब हम निफ्टी को 25 में महंगा कहते हैं और आज 40 में, तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो ये सब वैल्यूएशन को आपको ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्टॉक को ले लिया, फिर थोड़ा मार्केट कॉन्सोलिडेट हुआ या करेक्ट हुआ तो फिर आप फंस जाए, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको जरूर जो ध्यान में रखनी है कि आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 5-10 साल के लिए, तो फिर जरूर किसी एडवाइजर की सलाह लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नए इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए आपको हाई वैल्यूएशंस को तो कंसीडर करना ही है। और देखिए, चूंकि निफ्टी अभी ऊपर जा रही है, मार्केट भी हम देख रहे हैं बिल्कुल यूफोरिक मूड में है, बजट अच्छा आ गया है, पिछले 2-3 महीनों से मार्केट भी ऊपर जा रही है, तो हो सकता है लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक थोड़ा बहुत मूवमेंट पकड़ ले, कोई नहीं जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहां आपका टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा यहां पर मैटर करेगा दोस्तों। आपको एसेट एलोकेशन जो हर वीडियो में हम बताते हैं उसको प्रैक्टिस करना ही है। एसेट एलोकेशन का मतलब सिंपल है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली आपने 20 या 25 रुपए आपने एक ही स्टॉक में, समझ लीजिए यहां पर इंडिगो पेंट्स है वहां पर लगा दिए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। एसेट एलोकेशन में आपको डेट में भी पैसा रखना है, इक्विटी में भी रखना है, एफडीज में भी रखना है, थोड़ा बहुत गोल्ड में भी रखना है, सब जगह रखना है। तो ये आपके जो एडवाइजर है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन का हमेशा ध्यान रखें, अगर
लालच में आके या फिर गड़बड़ ऐसा कर दिया कि आपने बहुत बड़ा पैसा, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 60-70 हजार रुपए बिल्कुल झोंक दिए इसी स्टॉक पे, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए रिस्क उतना ही ले जितना आप ले सकते हैं, और चूंकि अभी लिस्टिंग ही हो रही है, अच्छा खासा गेन भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कहते कि गेन नहीं होगा, लेकिन वैल्यूएशन का भी जरूर ख्याल रखें। बहुत सारे जो दूसरे जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने बाई की भी सलाह दी है, ऐसा नहीं है, कंपनी भी ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूएशन जो है वो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं है। बट फिलहाल हम देख रहे हैं मार्केट वैल्यूएशन पर नहीं, बिल्कुल अभी यूफोरा है, यूफोरिया है, तो सब कुछ हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा कॉशस रहना भी जरूरी है, पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, और एसेट एलोकेशन करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।